व्हाट इज अप एवरीवन, मैं हूं स्वप्निल जाद और आपका स्वागत है और एक धमाकेदार वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे Xiaomi Mi 11 सीरीज के बारे में। Mi 11 जो सीरीज है वहां पे हमको जल्द ही नए 3 या फिर 4 स्मार्टफोन देखने के लिए मिलने वाले हैं और Mi 11 सीरीज का एक स्मार्टफोन लॉन्च भी हो चुका है। पर आज के वीडियो में बात करेंगे Mi 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन के बारे में जो कि एज डिस्प्ले के साथ होने वाला है। उसके साथ साथ इस फोन में हमको एज डिस्प्ले के साथ स्नैपड्रैगन 800 सीरीज का चिपसेट भी देखने के लिए मिलने वाला है। क्या कुछ स्पेसिफिकेशन रहने वाले है, कब तक आएगा, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो देखो पूरा। उसके साथ साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करो और पूरे टेक इंडस्ट्री से अपडेटेड रहना चाहते हो तो बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करो। तो स्टार्ट करते डिजाइन से, तो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का डिजाइन होगा। रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप होगा, उसके साथ साथ एक यूनिक सा मॉडल है। अब बात आती है डिस्प्ले साइज और डिस्प्ले टाइप के बारे में, तो यहाँ पे हमको 6.67 इंचेस का एक एज डिस्प्ले मिलेगा जो कि एक 144Hz वाला हायर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल है। तो यहाँ पे आप जब पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी या फिर 4G जैसे हाई ग्राफिक्स गेम्स को रन करोगे तो आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। और HD वाला डिस्प्ले है तो बड़ा मजा भी आने वाला है गेम खेलने में। अब बात आते हैं रैम वेरियंट के बारे में, तो ये स्मार्टफोन हमको 3 रैम वेरियंट में देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट रैम वेरियंट होगा 8GB 256GB इंटरनल स्टोरेज, सेकेंड रैम वेरियंट होगा 10GB 256GB इंटरनल स्टोरेज और हायर वेरियंट होगा जहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगा 12GB with 512GB इंटरनल स्टोरेज। अगर बात करते हैं रियर साइड के कैमरा सेटअप के बारे में, तो यहाँ पे आपको रियर साइड में क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, यानी कि 4 कैमराज होंगे जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 108 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे इसके मेन कैमरा का परफॉर्मेंस हमको काफी अल्टीमेट देखने के लिए मिलता है। और सेकेंडरी सेंसर होगा 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस जो कि 100x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। थर्ड सेंसर होगा 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और फोर्थ सेंसर होगा 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। अब बात आती है इस फोन के फ्रंट कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे हमको एक पंचोल सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलेगा जो कि इस फोन के लेफ्ट हैंड साइड या फिर राइट हैंड साइड में रहने वाला है ऊपर की तरफ, जिसका सेंसर वो होने वाला है 32 मेगापिक्सल का, जिसको आप यूज करके 1080p रिजोल्यूशन पे वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। यहाँ पे आपको कोई भी तकलीफ होने वाली है नहीं। अब बात करें मेन चीज़ के बारे में, यानी कि परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे हमको क्वालकम की तरफ से प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हमको क्वालकम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने के लिए नहीं मिलने वाला क्योंकि Mi 11 में पहले ही दिया गया है। तो यहाँ पे हमको क्वालकम स्नैपड्रैगन 875 प्लस जैसा एक दमदार चिपसेट देखने के लिए मिलेगा, जिसका तो स्कोर आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर है, 5G सपोर्टेड प्रोसेसर है, तो यहाँ पे आपको कोई लैग या फिर हीटिंग के इशू देखने के लिए नहीं मिलते। यहाँ पे आप आराम से गेम खेल पाओगे, आपको कोई भी तकलीफ होने वाली है नहीं। अब बात है सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको फेस अनलॉक सिस्टम मिलेगा, एमोलेट वाला डिस्प्ले है, सुपर एमोलेट वाला डिस्प्ले है, तो ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर 100% मिलेगा। अब बात आती है बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगी 5000mAh की एक नॉन रिमूवेबल बैटरी जो कि आने वाले 120W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, यानी कि आपका फोन 0 से 100 तक चार्ज होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट लगने वाले। तो आप सोच सकते हो कि चार्जिंग की स्पीड कितनी रहने वाली है और इसका फास्ट चार्जर इन दी बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। अब बात है पोर्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे हमको टाइप सी पोर्ट मिलेगा, यहाँ पे हमको 3.5mm जगने के लिए नहीं मिलने वाला। उसके साथ साथ हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हो, यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता। उसके साथ साथ यहाँ पे हमको NFC का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलने वाला है। अब बात है प्राइसिंग के बारे में, जो भी इसका बेस वेरिएंट है जहाँ पे हमको 8GB 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलता है, वो वेरिएंट हमको 65 से 70,000 के प्राइसिंग देखने के लिए मिलने वाला है। और जिसका हायर वेरिएंट है जहाँ पे हमको 12GB with 512GB इंटरनल स्टोरेज देखने के लिए मिलता है, वो वेरिएंट हमको 70 से 75,000 के प्राइसिंग देखने के लिए मिलने वाला है। तो प्राइसिंग तो एक्सपेंसिव है पर स्पेसिफिकेशन भी बड़े तगड़े तगड़े है। अगर आप कोई एज डिस्प्ले का फोन लेने का सोच रहे हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है। यहाँ पे आपको किसी भी मामले में कमी देखने के लिए नहीं मिलती। अब बात आते हैं लॉन्च डेट के बारे में, तो लीक्स और रूमर्स के हिसाब से ये स्मार्टफोन हमको मार्च के फर्स्ट क्वार्टर तक देखने के लिए मिलने वाला है। और अभी जो मैंने स्पेसिफिकेशन बताया है वो कन्फर्म स्पेसिफिकेशन नहीं है, लीक्स और रूमर्स है, चेंज भी हो सकते हैं, चेंज होते हैं तो और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आज का वीडियो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी है, इंस्टाग्राम पे जॉब जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।